हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक मुश्त 50,000 रुपये इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो ये आपको आपके 50,000 रुपये को दोस्तों कन्वर्ट कर सकता है कई लाख रुपीज़ में। ओवरऑल जो इस फंड के रिटर्न्स हैं वो दोस्तों 18.83% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 21.57% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 38.71% के हैं। और दोस्तों, पिछले 6 महीने में इसने 3.42% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। टाटा के शानदार फंड का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। आप इस फंड के अंदर मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट यानी कि SIP भी कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ सकते हैं। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक साथ पैसा जमा करके छोड़ना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। ज़्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अभी शुरू ही की है, ये फील करते हैं कि शेयर मार्केट कहीं कुछ लक या चांस का खेल तो नहीं है, या उनकी एक आदत होती है कि वो कुछ कही सुनी बातों पर विश्वास करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों या रिलेटिव। एंड वैसे कहा जाए तो शेयर मार्केट आसान नहीं है और अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत एक एक्सपर्ट की होती है जो आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताए और रिस्क लेने के लेवल एनालिसिस कर सके और आपको डिफरेंट ऑप्शंस बता सके जहां इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिस्की हो। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर कहीं सुनी बातों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक्चुअल में डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो क्यों ना एक्चुअल में कोई एक अच्छे प्रोफेशनल से कंसल्ट किया जाए। मगर इन्वेस्टमेंट के लिए एक और चीज़ लगती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट इट आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो है डीमैट अकाउंट। और ये दोनों मिलेगा आपको विद मोतीलाल ओसवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको डीमैट अकाउंट भी और एक प्रोफेशनल एडवाइज़र भी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया जाता है, जो आपको ना बस एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराएगा और पहले साल के लिए 0 AMC भी देता है और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी अलॉट आपके लिए किया जाएगा जो आपकी क्वेरीज को सोल्व तो करता ही है, साथ में इन्वेस्टमेंट करने में भी मदद करता है। तो जब फ्री फाइनेंशियल एडवाइज़र साथ में मिले तो क्यों लॉस का डर लेना। एंड अगर हम बात करें कि मोतीलाल ओसवाल ही क्यों, क्योंकि ये ऑफ़र करते हैं फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ जस्ट ₹20 पर लोट, यानी कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक लोट का ये सिर्फ और सिर्फ ₹20 चार्ज करते हैं। इनके पास 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 50 लाख से ज़्यादा लोगों का भरोसा है। और आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की ज़रूरत होती है और आप इनके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ। इतना ही नहीं, इनके स्मार्ट एंड ईजी टू यूज़ ऐप के साथ आप बास्केट फीचर्स जो AI बेस्ड टूल पे चलता है एंड ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को विजिट करें एंड ओपन करें अपना फ्री में डीमैट अकाउंट एंड अपनी सतर्क इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। अब मान लीजिए दोस्तों, मैं इसके अंदर 50,000 रुपये का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता हूँ और अभी जैसे हमने देखा है कि ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 18.83% के हैं, तो 18.83% से हम 18% के रिटर्न ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अगर ये आगे आने वाले टाइम में 18% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा कर देता रहता है तो दोस्तों अलग अलग टाइम पीरियड पर हमारा 50,000 रुपये बढ़कर कितना हो जाएगा। एक साल बाद अगर हम बात करें तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर दोस्तों 59,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 9,000 रुपये के हमें इस्टीमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर मिल चुके होंगे। वहीं अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 114,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 64,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें 15 साल के टाइम पीरियड की तो 15 साल के टाइम पीरियड में हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 5,98,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 5,48,000 रुपये के हमें इस्टीमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। 20 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारा 5 लाख रुपये बढ़कर 13,70,000 रुपये के आसपास हो जाएगा, तो 13,70,000 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि 13,20,000 रुपये के हमें इस्टीमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे।
अगर आप इस फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं अगले दोस्तों 33 सालों के लिए, तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 1,17,00,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 रुपये मात्र का इन्वेस्टमेंट हमारा 1 करोड़ रुपये में कन्वर्ट हो सकता है अगर ये 18% के हमें रिटर्न प्रोवाइड कराकर देता रहता है। 18% रिटर्न के हिसाब से ही आपका पैसा दोस्तों 50,000 रुपये से बढ़कर 1,17,00,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। अब आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको अपने पैसे को दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि आपके फंड की ग्रोथ का पूरा पूरा लाभ आप ही को मिले, किसी दूसरे को कमीशन के रूप में आपके फंड की ग्रोथ से हिस्सा ना कटे। तो उसके लिए आप खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप पेटीएम मनी के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जीरोधा या एंजल के साथ में। धन्यवाद।